अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के पुरानी चौपाटी बाटा तिराहे पर 63 वर्षीय महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मोइनुद्दीन ने बताया कि परिवादिया वैशाली नगर निवासी सावित्री मेहरा ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 31 अगस्त को पुरानी चौपाटी पर वह चक्कर लगा रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी एक तोले की चैन तोड़कर फरार हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने थाने पर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच शुरू कर दी है, जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। दिनांक 1 तारीख को परिवादिया है श्रीमती सावित्री मेहरा, इसने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि हमें 31-8 को चौपाटी बाटा तिराहे के सामने घूम रही थी, उसी दौरान दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मेरे गले की चेन तोड़ के भाग गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। तफ्तीश मेरे पास ही है, संबंध आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखकर उसके हिसाब से तफ्तीश जारी है, अनुसंधान जारी है, मुलजिमों की तलाश है। ये दो लड़के बताएं, एक लड़का मोटरसाइकिल पे तैयार खड़ा था और एक चेन तोड़ के भाग गया। हाँ, परिवादी शाम को 10:15 बजे घूम रही थी, उसी दौरान पुरानी आना सागर पुरानी चौपाटी की घटना है। ये बाटा किराया है, वहाँ बाटा के शोरूम है, उसके सामने की बात, वो एक तोले की चेन बता रही थी। मुकदमा दर्ज कर तब अनुसंधान जारी है। ये शिव मंदिर वैशाली नगर की निवासी है, 63 साल की वृद्ध महिला है, मोइनुद्दीन एएसआई थाना किशन। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।